हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जो है अभी टाइम हो चुका है, लगभग शाम के 6 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है, ठंड का टाइम है तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। और मुझे अभी जो है ना सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रहा है, तो अभी मुझे जो है अर्जेंटली जाना पड़ेगा मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो है प्रिस्क्रिप्शंस तो है ऑलरेडी, और देखते हैं अभी दवाई मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। तो वीडियो में जो है बने रहिएगा, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो है हम लोग शाम में जो है निकल चुके हैं, और अभी जैसा कि जो ट्रैफिक है, ये रोड जो है अभी बहुत ज़्यादा ही कम चौड़ा रोड है, और इस तरफ जो है पूरा रोड बन रहा है और उस तरफ जो पूरा रोड, लेकिन काम रुका हुआ है अभी फ़िलहाल, तो पता नहीं कब तक रोड जो है बन पाएगा। और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं मेडिसिन लाने के लिए, देखते हैं क्या क्या होता है, मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है, यह भी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और अभी जैसा कि मैंने गाड़ी में जो है तेल जो लिया था ना, तो वो बहुत पहले लिया था, और अभी जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है कि गाड़ी में फिलहाल जो है कोई तेल नहीं है, तो अभी मुझे तेल लेना पड़ेगा, फ्यूल लेना पड़ेगा। और अभी यहीं पे जो है पीछे में भी एक पेट्रोल पंप था, लेकिन मतलब आयन वक्त पर मैं भूल गया था एक्चुअली। अभी जो है हम लोग पेट्रोल पंप पर आ गए हैं और इंडिकेटर वगैरह चलाते हैं, देखते हैं पेट्रोल लेकर के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग पहुंच चुके हैं हाईवे पे। तो दोस्तों अभी जो है मेरे को मेडिसिन तो मिल चुका है, मॉन्टेयर एलसी, जो कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, और मैंने ले लिया है। और अभी हम लोग जो है हाईवे पे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो अभी जो है हम लोग बनवाने वाले हैं अंडा का जो है ना पाउच, आपने नाम सुना होगा शायद, ना बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा, तो अंडा का जो है ना पाउच हम लोग अभी बनवा के खाने वाला है, देखते हैं कैसा कैसा ये लोग जो है अंडा का पाउच हमारे लिए कैसा बनाता है, तो वीडियो में बने रहिएगा। पहले के टाइम पे जो चूल्हा हुआ करता था, जिसमें आप लोग सोचने में कुछ अजीब सा लगता है अभी फिलहाल, कि जो पहले का चूल्हा हुआ करता था कि उस पर लकड़ियों से चूल्हा जलाई जाती थी, है ना, चलाई जाती थी, और उसका जो है खाना लोग पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते, बोलते कि इसमें अलग सा टेस्ट ही आता, मतलब आता था, पहले उसका अलग ही टेस्ट आता था। और कुछ के बाद जो है अगर कोयले का जो चूल्हा होता है, कोयले का चूल्हा भी काफ़ी कमाल का होता है, मतलब सोचो कि जो लोग यूज़ करते थे पहले कि लकड़ी यूज़ करते थे, अब कोयले को यूज़ करते थे, तो कोयले जब यूज़ करते थे तो उसका टेस्ट भी कुछ अलग टाइप का होता था। आजकल जो है हम लोग घर में यूज़ करते हैं गैस वगैरह यूज़ करते हैं, हीटर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हीटर यूज़ करते हैं, और आने वाले फ्यूचर में पता नहीं किस तरह का जो है और भी यूज़ करेंगे, आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन जो भी है, जो कोयला वाला जो टेस्ट आएगा, देखिए ये पॉच जो है हमारा बन रहा है फ़िलहाल, काफ़ी अच्छा बन रहा है। और पहले जो हम लोग, याद होगा आपको कि जो अंडे हम लोग पहले खाते थे, तो उसमें मतलब बहुत सारा वैरायटी बन सकता था, मतलब अंडे से बन सकता था, तो जैसे कि ऑमलेट हो गया, बॉयल भी करके खाते थे लोग। और अभी जो है बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, मतलब इस तरह का जो है पाउच, देखिए अंडे को कैसे फोड़ा जा रहा है, और ये देखिए अल्टीमेट जो है बनकर कैसा लगेगा, खाने में कैसा लगेगा वगैरह वगैरह, हर एक चीज़ जो है आपको बताया जाएगा वीडियो के अंदर में। तो ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, इसके अंदर जो है डाला जा रहा है प्याज को, इसमें जो है प्याज मिर्च वगैरह अदरक वगैरह सब डाला जा रहा है, और इसके बाद जो है इसका फ्लेवर देखिए, इसको पलटी, मतलब इसको पलटा जाएगा, अभी थोड़ा सा ये अंदर से पक जाने के बाद इसको पलट दिया जाएगा, ताकि अच्छी तरह से जो है ये पक सके, एक साइड से पक जाए। मैं इसको दो तरह से बनवा रहा हूँ, एक मतलब सूखा वाला, और मतलब पूरी तरह से सूखा हुआ, एक हल्का गीला वाला। तो कैसा लग रहा है? अच्छा है, बढ़िया। तो दोस्तों फाइनली जो है बन के आ चुका है हमारा जो है यहाँ पे पॉच, जो कि अंधेरे में शायद आप लोगों को कम दिख रहा हो, चलिए कोई बात नहीं, मैनेज कीजिएगा। और अभी जो है हम इसको खाते हैं, फिर खा के जो है टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। और अभी जो है हम लोग पहुँच चुके हैं, मतलब अभी बरवड्डा में है, ठीक है, धनबाद में जो है बरवड्डा, और इसको खाने के बाद जो है वापस हम घर जाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। काफ़ी अच्छा बनाया गया है,
और इसमें क्या है ना कि पूरा गरम गरम रहता है, अंदर में जो है एकदम छोटा सा जो ऑमलेट बनता है वो बहुत बड़ा सा बनता है, लेकिन ये जो है बहुत छोटा सा बनता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। और ठंड में जो है अंडा खाने से थोड़ा सा तो आराम मिलेगा, मतलब थोड़ा सा शरीर में गर्मी भी मिलेगा, तो इसलिए अभी हम लोग अचानक से रुक के जो है खा रहे हैं। सीन देखिए अभी जो है बरवंडा जो मार्केट का अभी जो है सीन देखिए, कितना जबरदस्त वाला सीन आता है, मतलब हर जगह पे आपको स्ट्रीट फूड का जो है स्ट्रीट फूड देखने को मिल जाएगा। सब्जी मार्केट भी लगा हुआ है, रास्ता देख सकते हो, रास्ता भी काफ़ी कमाल का है। तो अभी जो हम लोग निकले हुए थे वीडियो हम लोग अभी जो हम लोग निकले हुए थे दवाई लेने के लिए, और साथ में जो हम लोगों ने खाया था अभी अंडा का जो है पाउच, और अब जो है हम लोग जा रहे हैं घर पे, देखते हैं कितने बजे पहुंच पाते हैं घर पे। जो स्टॉपर है वो कहीं पे भी हो सकता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है चलाने में बाइक को, ऊपर से रात में, ऊपर से ठंड में तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और अभी जो हम लोग अंडा जो खाए थे ना, अंडा का जो पर्स खाए थे, तो काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी अच्छा लगा खाने में, और मतलब जो अपने मुंह का जो स्वाद है वो भी थोड़ा चेंज होता है इस तरह का जो है कुछ कुछ खा लेने से। और नेक्स्ट टाइम जो है आपको हम बताएंगे कि जो हमारा जो स्टेडियम जो मैंने एक वीडियो बनाया था आप सभी के लिए, तो नेक्स्ट टाइम जो है उसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, तो वो चीज़ आप लोग जो है मिस मत कीजिएगा। और जो पिछले वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बताया था मैथन डैम दिखाया था, तो वो सब वीडियो जो है आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है उसको मैंने एक्सप्लोर किया है, तो काफ़ी अच्छा वो वीडियोज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा, जो कि अगर धनबाद में अगर आप लोग रहते हैं तो उस तरह की वीडियोज़ को, तो मतलब मैथन तो ऑलरेडी जाते हो, बहुत सारे लोग जाते होंगे घूमने के लिए, तो उस जगह पे बहुत कुछ जो है एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिल जाती है। और आने वाले टाइम पे और भी बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लोर जो है मैं करने वाला हूँ, करूँगा आने वाले टाइम में, मैं और भी बहुत कुछ जो है एक्सप्लोर करूँगा, जो कि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है, और काफ़ी मज़ा आएगा भी, है ना। तो फिलहाल दोस्तों अभी जो है आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।